लास्ट वीडियो में हमने लॉस बुक करने के बारे में बात की थी, दैट अगर आपने लॉस बुक करना सीख लिया तो माइंडेड उस दिन के बाद आप एक डिफरेंट ट्रेडर बन जाओगे एंड आपके प्रॉफिट में रहने के चांसेस थोड़े से बढ़ जाएंगे। जो सिचुएशन मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताई थी, उसी सिचुएशन से रिलेटेड एक और सिमिलर सिचुएशन होती है। क्या है, मैं अगेन एक एग्जाम्पल के थ्रू बताता हूँ। एग्जाम्पल सिमिलर होने वाला है, दैट मुझे लगा दैट कंपनी ए का शेयर ऊपर जाने वाला है, तो मैंने उस कंपनी के 100 शेयर खरीद लिए। एंड उसके बाद मैं क्या करता था, उसके बाद मैं वेट करने लग जाता था दैट अगर मेरी पोजीशन में मुझे प्रॉफिट हो रहा है तो वो प्रॉफिट मेरा और बढ़े, या फिर अगर मुझे उस पोजीशन में लॉस हो रहा है तो वो मेरा लॉस कम हो जाए या फिर जीरो हो जाए। इस चक्कर में मैं क्या करता था, मैं अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ नहीं करता था, मैं अपनी पोजीशन को क्लोज नहीं करता था, मैं उस पोजीशन को खुद क्लोज नहीं करता था, मैं उस पोजीशन को मार्केट के भरोसे छोड़ देता था। एंड ये तो हम सबको ही पता है दैट अगर हमने कोई इंट्राडे ट्रेड लिया है एंड अगर हम उस पोजीशन को क्लोज नहीं करते तो मार्केट उस पोजीशन को खुद ही क्लोज कर देता है। एंड जब भी ऐसा होता है तो मैं आपको बता दूं दैट अगर आपको प्रॉफिट हो रहा होता है उस पोजीशन में, तो जब मार्केट उस पोजीशन को अपने आप क्लोज करेगी तो जो आपका वो प्रॉफिट है वो कम हो जाएगा। ऑन दी अदर हैंड, अगर आपको उस पोजीशन में लॉस हो रहा होता है तो जो आपका एक्चुअल में लॉस होना होता है, अगर मार्केट उस पोजीशन को क्लोज करती है तो वो लॉस आपका बढ़ जाता है। एंड ये प्रॉफिट का कम होना, लॉस का बढ़ना, ये 100 में से 95-97 टाइम ऐसा ही होता है। आई मीन देर आर 1 or 2 इंस्टांसेस जहां पर अगर आपने मार्केट के भरोसे अपनी पोजीशन को ओपन छोड़ दिया एंड आपका प्रॉफिट बढ़ गया, आपका लॉस कम हो गया, ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है। सो अगर आपने कोई ट्रेडिंग पोजीशन ली है तो उस पोजीशन को अपने आप क्लोज जरूर करें, मार्केट के भरोसे बिल्कुल भी ना छोड़ें। एंड जिस दिन आपने अपनी पोजीशन को क्लोज करना सीख लिया, अगेन आपके प्रॉफिट में रहने के चांसेस थोड़े से बढ़ जाएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, इसको लाइक शेयर जरूर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।